एक और कोई सोचा कि आप लोगों को जानकारी दे दें। पता नहीं कुछ वनस्पतियों को हमारे नवग्रहों से जोड़ा गया है यहाँ पर, तो वनस्पतियों की भी एक अपनी भूमिका है जो कि हमारे मतलब नवग्रहों से आधारित है। तो हमारे ज्योतिषी आचार्य वैद्य उनको सभी को इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है और किताबों के माध्यम से उन्होंने इनको अलग अलग किताबों में लिखा भी है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में या हमारे भारतवर्ष में इन चीज़ों को इतना महत्व नहीं दिया गया और एलोपैथी के तौर पे इन चीज़ों को छुपा दिया गया, दबा दिया गया। आजकल तो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में इस प्रकार की लड़ाई होती है जैसे दैत्य और दानवों के बीच में, दोनों डॉक्टर एक दूसरे के अगेंस्ट, ना जाने क्या है। तो ये कुछ चंदन है जिसको कि राहु का प्रतीक बोला गया है, शमी शायद कहते हैं, शमी की लकड़ी या क्या है पेड़ होता है उसको, शनि का रूप बोला गया है, अश्वगंधा को केतु, और ये वाटिका है कुछ, ये गणेश जी, अपमार बुद्ध, पीपल को गुरु की उपाधि दी गई है, गुल्लर को शुक्र, ढाक को चंद्र, खैर को मंगल। कितना अच्छा ज्ञान है, ये कभी हमें भी नहीं था, तो सोचा फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को भी साझा करूं। अच्छा, अब जो हमारी 12 राशियां होती हैं ना, मेष, वृक्ष, मेष हो गई, वृक्षक, मिथुन, फिर मिथुन के बाद चौथी आती है हमारी कर्क, पांचवी आती है सिंह, तुला। तो मतलब ग्रहों के आधार पे हमारी राशियां हैं, 12 राशियां होती हैं। तो प्रत्येक ग्रह मतलब एक ग्रह को निर्धारित करते हैं, जैसे मंगल, जितना मुझे ज्योतिष की जानकारी है तो मंगल है, उसका जो प्रधान है कारित्व है वो मेष राशि को है। तो मेष राशि में कहा जाता है कि सूर्य उच्च के होते हैं और उसकी जो सातवीं राशि होती है तुला, वहाँ पे जो कि शुक्र की राशि होती है वहाँ पर सूर्य नीच के, तो ऐसे ही उसके बाद नंबर दो पे चंद्र, ऐसे ऐसे करके इनको एक अच्छा एक कैलकुलेशन है, मतलब ज्योतिष शास्त्र कुछ नहीं है, एक कैलकुलेशन है। तो देखो, आम को कुंभ बोला गया है, बेल को मीन बोला गया है, आप देख ही रहे होंगे, वास्तव में बड़ी दिलचस्प मतलब जानकारी है। शीशम को मकर बोला गया है, और शीशम, हाँ शीशम, सिमल को धनु बोला गया है, नींबू को वृक्षिक बोला गया है, अर्जुन को तुला, मतलब ये पेड़ों के नाम हैं, जामुन को सिंह को राशि को समर्पित है, अमरूद कन्या राशि को समर्पित है, और आंवला कर्क राशि को समर्पित है, चंपा मिथुन राशि को समर्पित है, अशोक वृषभ यानी कि वृषभ राशि हमारे शुक्रदेव की होती है उनको है, आम को है मेष। तो आम को दो राशियों का राजा बोला गया है, एक कुंभ, कुंभ यानी कि जो शनि की राशि है, मेष जिसमें सूर्य उच्च के होते हैं और मंगल की राशि है। तो प्रत्येक ग्रहों को मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे 12 ग्रह हैं, 12 ग्रहों को मतलब बांटा गया है, सॉरी 12 राशियों को ग्रहों के अनुसार बांटा गया है। तो जो इसको कहते हैं वाटिका चक्र, बहुत बड़ा ज्ञान है ये। तो बहुत से ग्रहों को दो दो राशि का स्वामित्व मिला हुआ है, राहु केतु क्योंकि छाया ग्रह हैं तो उनको दिया नहीं गया, परंतु वह जिस ग्रह में जिस राशि में सम्मिलित हो जाते हैं उसी के बन जाते हैं। तो वैसे तो मिथुन हो गया क्योंकि मिथुन बुध की राशि है तो वहाँ अच्छा वो माना जाता है, और एक और जो है कन्या वहाँ पर भी उनको अच्छा माना जाता है। तो ये सारा ज्ञान था, आज मुझे भी मिला है, इसलिए मैंने सोचा कि फेसबुक में इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, जब चाहे फिर तब देख लिया जाए, सबसे पहले तो रिकॉर्ड दिमाग में ही हो जाए। और बहुत ही सुंदर कैलकुलेशन है, मज़ा आ गया देख के, सोचा आप सभी को भी दिखाया जाए, और बच्चे बहुत खुश हैं। इसका क्या नाम है, वाटिका। तो यह है आपको ग्रहों को जो नवग्रह हैं उनको क्या क्या मिला है, और इधर बाकी ग्रहों को उनके 12 राशियों को कौन कौन से फल मिले हैं, और सुंदर है। और चलिए फिर, यह ज्ञान जो प्राप्त हुआ सोचा आपको भी दे दें, आपको भी मिल ही गया होगा। धन्यवाद। जय सनातन संस्कृति, हर हर महादेव।